सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ये प्रो बस का लैपटॉप स्लिंग बैग। और अगर आप कोई एक ऐसा बैग देख रहे हैं जिसमें आप अपना लैपटॉप और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज, जैसे कि उसका चार्जर हो गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया, माउस हो गया, आपका वॉलेट हो गया, इसके अलावा आपका आईवेयर हो गया, मतलब कि आपका चश्मा हो गया, वो सब आप कैरी कर सकें सेफली, तो आप इस बैग के लिए देख सकते हैं। ये हम अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे। 15.6 इंच लैपटॉप के लिए ये बैग है। इसके अलावा इसका 13 इंच वाला भी वेरिएंट आता है। अगर आपके पास 13 इंच लैपटॉप है तो आप उसके लिए अलग वेरिएंट ले सकते हैं, उसका प्राइस थोड़ा सा कम है। इसका प्राइस जो है बैग पे मेंशनड है 4,999, मतलब कि 5,000 रुपीज़, बट ये जो है ना नॉर्मल डेज में 1200 रुपीज़ के अराउंड मिलता है, और हमको ये कार्ड ऑफर अप्लाई करने के बाद 1027 रुपीज़ में मिला है। और इस प्राइस पॉइंट पे हमको इसका क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा लगा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैकेट्स का, तो ये जो पैकेट है फ्रंट पैकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का एक पैकेट जो आपको आगे में मिल जाता है, जिसका डेप्थ जो है कुछ इतना है, ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा डेप्थ है। उसके बाद यहाँ पे एक और पैकेट है जिसमें आप अपना चार्जर कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक प्रोबस का कार्ड है, वेलकम कार्ड, तो उसको हम साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना वॉलेट या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो कैरी कर सकते हैं। दो पेन होल्डर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, चार्जर कैरी करने के लिए ये वाला है। और जो मेन कंपार्टमेंट है वहाँ पे अगर हम चलें तो यहाँ पे दो स्लीव्स है, पहला लैपटॉप को कवर करने के लिए, मतलब लैपटॉप रखने के लिए, और ये जो लैपटॉप रखने के लिए जो स्लीव है इसका नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन एकदम वॉलवेट है, काफ़ी सॉफ्ट है। और बाकी जो ये है मेन कंपार्टमेंट, इसमें आपको एक तो शोल्डर स्ट्रैप मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना टैबलेट कैरी कर सकते हैं या कुछ और एक्सेसरीज हो गया तो वो आप जो है कैरी कर सकते हैं। बैक साइड में यहाँ पे एक ट्रॉली स्ट्रैप मिलता है, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रॉली बैग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको जो है इस बैग को अपने ट्रॉली पर कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और पॉकेट है, और इस साइड भी एक और पॉकेट है जो कि इन दोनों हैंडल्स को छिपाने के लिए है। अगर आप इन दोनों हैंडल्स को नहीं दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस तरीके से ये दोनों हैंडल्स जो है वो अंदर चल जाता है, और बाद में आप फिर इसको शोल्डर स्ट्रैप के थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पॉकेट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें आप हैंडल्स को तो डाल ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं वॉलेट कैरी करना तो इसमें आप अपना वॉलेट भी जो है वो कैरी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब फटाफट से हम इसको बैग को जो है पूरा फिल कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा Lenovo Legion 15.6 इंच वाला लैपटॉप है, तो इसको जो हम लैपटॉप वाले कंपार्टमेंट में डाल देते हैं तो ये काफ़ी इजीली इसमें जो है अंदर चले गया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ जो आपको शोल्डर स्ट्रैप मिलता है उसको आप कुछ इस तरीके से अटैच करके कैरी कर सकते हैं अपने शोल्डर पे। और अब जो है ना हम इस बैग को फुल पैक कर दिए हैं, और आप समझ सकते हैं इसको हम इसके 100% कैपेसिटी पे पैक कर दिए हैं, तो अब आप इससे अंदाज लगा पाएंगे कि कितना इसका कैपेसिटी है और किस तरीके से आप इसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम सब कुछ जो है वो निकालते हैं कि कहाँ हम क्या क्या रखे हैं। यहाँ पे जो एक पॉकेट मिलता है इसमें हम अपने फ़ोन का चार्जर जो है वो कैरी किए हैं, बिकॉज़ अगर आप सिर्फ अपना लैपटॉप कैरी कर रहे हैं फिर भी आप अपना फ़ोन तो डेफिनेटली कैरी करेंगे, तो आपको आपके फ़ोन के लिए एक चार्जर चाहिए होगा। इसके बाद यहाँ पे आगे में जो एक पॉकेट है, इस पॉकेट में हम अपना वॉलेट कैरी किए हैं, तो वॉलेट को हम साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पे जो ऊपर साइड में पैकेट है, ये ऊपर वाला पैकेट, इस पैकेट में हम चार्जर कैरी कर रहे हैं, तो ये चार्जर का पावर कॉर्ड है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो चार्जर का अडैप्टर है वो हम कैरी किए हैं, तो इसको हम निकालते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना हार्ड ड्राइव कैरी कर रहे हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और उसका केबल, तो इसको हम साइड करते हैं। फिर इसके बाद ये मेरा आई वियर है, आई ग्लास, ये जस्ट ब्लू रे कट करने के लिए ग्लास है, तो वो हम यूज़ करते हैं, तो वो हम निकाल दिए। इसके अलावा इस पॉकेट में और कुछ नहीं है। सबसे ऊपर में जो पॉकेट मिलता है अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे भी हम कुछ रखे हैं, तो देखते हैं क्या क्या रखे हैं। तो यहाँ पे अपना कुछ छोटा मोटा एक्सेसरीज जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये पूरा ही निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम हब रखे हैं और कुछ पेन ड्राइव जो है वो रखे हैं, और ये पूरा जो है ना वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है अंदर में, तो आपको मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। तो ये कुछ इसमें हम एक्सेसरीज रखे थे, मतलब कुछ पेन ड्राइव्स और कुछ हब जो है वो रखे थे, तो ये यहाँ पे था। अब हम चलते हैं मेन कंपार्टमेंट में। यहाँ पे अगर हम मेन कंपार्टमेंट का बात करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली लैपटॉप होगा, तो ये मेरा 15.6 इंच का Lenovo Legion 5 है, तो ये हम इसमें कैरी कर रहे थे, तो इसको अब हम रखते हैं साइड में। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेरा टैबलेट है जिसको हम कैरी कर रहे थे इसमें, और यहाँ पे एक वायरलेस माउस है।
तो ये इसका 100% कैपेसिटी था जो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुशन्स का बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, इसमें पैडिंग जो है वो दिया गया है, इसीलिए हम आपको बोले थे कि चार्जर को आप ऊपर वाले पॉकेट में रखिएगा ताकि चार्जर और आपके लैपटॉप के सरफेस के बीच में एक पैडिंग ज़रूर रहे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो लैपटॉप का स्लीव है इसमें दोनों साइड वॉलवेट है तो लैपटॉप पे कोई स्क्रैचेस नहीं आएगा। इसके अलावा ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, और जो ऊपर का मटेरियल है ये आपको वेबसाइट पे जो है ना अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे काफ़ी शाइनी सा लगेगा, बट ये एक्चुअली में शाइनी नहीं है, जो कि हमको काफ़ी अच्छा लगा है। आपको लेदर जैसा फील होगा बट ये लेदर नहीं है, कुछ कैनवस मटेरियल है जैसा कि अमेज़ॉन पे मेंशन था, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का हमको जो है लग रहा है 1000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। आई होप कि हम आपको इसके बारे में सब कुछ बता पाए हों। एजेस पे प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे भी आपको जो है ना पैडिंग दिया गया है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये 15.6 इंच के लैपटॉप को जो है कैरी कर लेगा और उसके बाद आपको पैडिंग जो है उसके थ्रू प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आप सिर्फ लैपटॉप कैरी करना चाहते हैं तो आप इस टाइप के बैग के लिए जा सकते हैं, और इतना सारा एक्सेसरीज जो है हम लैपटॉप के साथ कैरी कर लिए थे। अगर आप टैबलेट के जगह कोई वायरलेस कीबोर्ड कैरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं। सो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। बैग का जो प्राइसिंग है वो 1000 से 1200 रुपीज़ के अराउंड वेरी करता रहता है। प्राइस आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह चेक कर लीजिएगा, लिंक जो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ आपको अच्छे प्राइस पे मिले आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इस लैपटॉप को जज करने के लिए दो पैरामीटर है, पहला तो इसका कैपेसिटी और दूसरा इसमें आपको कितना प्रोटेक्शन मिलता है, आपके लैपटॉप को कितना प्रोटेक्शन मिलता है उसका। सबसे पहले अगर हम कैपेसिटी का बात करते हैं तो देखिए प्राइस के हिसाब से आपको हो सकता है कि कैपेसिटी कम लगे, बट ये सिर्फ लैपटॉप कैरी करने के लिए बैग है। इसमें आप लैपटॉप, लैपटॉप का चार्जर, कीबोर्ड, माउस और कुछ छोटा मोटा एक्सेसरीज जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, आपका आई वेयर हो गया, वो सब कैरी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दो आप एक्स्ट्रा कपड़ा कैरी कर पाएंगे इस बैग में तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उतना स्पेस इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वालिटी और प्रोटेक्शन जो ये आपके लैपटॉप को प्रोवाइड करेगा उसका, देखिए अगर क्वालिटी का बात करते हैं तो ऊपर का मटेरियल और जो अंदर का मटेरियल है दोनों का ही क्वालिटी हमको काफ़ी अच्छा लगा इस प्राइस पॉइंट पे। अंदर में हर एक पॉकेट में जो है ना वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा लैपटॉप स्लीव जो है उसमें ऊपर और नीचे में वॉल्वेट मटेरियल का यूज़ किया गया है, तो स्क्रैच से प्रोटेक्शन मिलेगा आपके लैपटॉप के आउटर एरिया को। पैडिंग का अगर हम बात करते हैं, प्रोटेक्शन का बात करते हैं, तो लैपटॉप स्लीव के ऊपर और नीचे में काफ़ी मोटा पैडिंग दिया गया है, और जो चेन वाला एरिया है ना यहाँ पे भी पैडिंग दिया गया है जो कि आपके लैपटॉप के एज को अच्छा प्रोटेक्शन देगा शॉक से। इसके अलावा इसका बहुत सारा कलर वेरिएंट आता है और इसका एक और साइज़ वेरिएंट भी आता है 13.3 इंच लैपटॉप के लिए, तो वो चीज़ जो है आप चेक कर लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वहाँ से, और लेटेस्ट प्राइस भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसका कितना है। बाकी 1000 रुपीज़, 1200 रुपीज़ के अराउंड के प्राइस पॉइंट पे हमको ये बैग जो है अच्छा लगा है, आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ लैपटॉप कैरी करने के लिए एक बैग चाहिए, तो अगर आपको ऑफिस के लिए या फिर ट्रैवलिंग के दौरान कोई एक ओनली लैपटॉप कैरिंग बैग चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है तो वो आप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।